सीरियल नवाकेश के आज के एपिसोड में युग बहुत मजबूर होने वाला है। वो कहानी को अपने साथ पुलिस थाने में लेकर आएगा, जहां वो उसे रविकांत से मिलाएगा और कहेगा कि बाबा आप जो है वो कहानी को अपने जमीन जायदाद में आधा हिस्सा, उसे बेटी का दर्जा और साथ ही साथ समाज में इज्जत, ये सब दिलाएंगे। ये सब इस कागज़ पर लिखा हुआ है, आप इस पर साइन कर दीजिए। युग के साथ कहानी भी होती है। कहानी कहती है कि छोटे से कागज़ के टुकड़े पर क्या मेरी खुशी वापस आ सकती है, क्या मुझे न्याय मिल जाएगा। मेरा बचपन जो सड़कों के किनारे गुजरा, मेरा बचपन जो बिना परिवार के गुजरा, क्या वो मिल सकता है मुझे वापस। कहानी के यही शब्द थे। फिर इसके बाद युग कहता है कहानी से कि कहानी तुम मान जाओ, नहीं तो मैं कसम तुम्हारी खाकर बोलता हूँ कि कल मैं गुंजन से शादी कर लूँगा। इसके बाद कहानी युग बाहर आ जाते हैं। अब दोनों जेल से बाहर आते हैं, जहाँ युग फिर से कहानी से कह रहा है कि कहानी ऐसा मत करो, लेकिन कहानी टस से मस नहीं हो रही है। अब घर में ये दिखाया जा रहा है कि घर में कहानी आ तो गई है, लेकिन उसे इस बात की बेहद चिंता हो रही है कि क्या युग सचमुच शादी कर लेगा। इधर घर वाले बहुत खुश हैं, घर में तैयारियाँ कर रहे हैं और वो एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि ये कहानी पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, ये सब नाटक है, लेकिन इसी नाटक को सच्चाई में बदलेगी ईरावती और सरोज। यहाँ पर युग जो है वो बार बार कहानी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहानी ये शादी मत होने दो, तुम अपना फैसला वापस ले लो, लेकिन यहाँ पर कहानी युग के बचपन के दिए गिफ्ट को यानी कि उस ताले को फेंक देती है और वो युग के पास आ गिरता है। युग उसे देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कहानी ये तुमने गलत किया है, अब तुम मेरा गठबंधन करूंगी गुंजन के साथ। और इधर युग बालकनी में जाता है, जहां वो काफी रो रहा है और कह रहा है कि अगर 7 फेरों के पहले तुमने ये शादी नहीं रोकी तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना मजबूर था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।